अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके? आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। किचन जो है ना वो माशाल्लाह फुल मैसी पड़ा हुआ है और अभी जो है वो मैंने नाश्ता वाश्ता किया है, लेकिन अभी किचन नहीं समेट सकती हूँ क्योंकि मुस्कान आ गई है, उससे मुझे स्टडीज़ में कुछ हेल्प चाहिए थी तो मैंने कहा कि अब मैं बाद में ही करूँगी, किचन विचन का काम मैं बाद में करूँगी, पहले जो है ना वो सेकेंड ईयर का ही पहले स्टार्ट कर लेना। वो बुक्स जो है ना वो वहाँ जोड़ के रखी हुई है और वहीं जुड़ी हुई है उन्हें जो है ना वो मैंने हाथ नहीं लगाया। तो अच्छा, वो एजुकेशन का क्या बना? कौन सा एजुकेशन? मेरी एजुकेशन कहते हैं उर्दू में इनको इजी रहना, अपने वर्ड्स में जरा समझा दो तो मलते लिख दूं कुछ भी चलें जी ठीक है, अब हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। किचन वगैरह जो है ना वो ऑलमोस्ट साफ हो गया है, साथ साथ जैसे ही काम वाली आई थी तो मैंने मुस्कान को बोला कि थोड़ा सा जी पढ़ाई से रेस्ट लेते हैं और साथ में हमने ये कोल्ड कॉफ़ी बना ली क्योंकि हॉट कॉफ़ी का तो मौसम नहीं है, बहुत जो है ना गर्मी है तो इसको थोड़ा सा जो है ना वो करते हैं। कुछ बर्तन अभी दोबारा से ख़राब हुए हैं तो इनको बाद में धोऊंगी। मैं और मुस्कान जो है ना वो भी जाके बुक्स उठा के बाहर चले गए क्योंकि पढ़ाई तो बहुत होगी। अंदर से ना पंखे वगैरह बंद कर दीजिएगा, आज हम पौधों के पास बैठ के पढ़ेंगे, अंदर बैठ बैठ के तंग आ गए हैं। इकरा ही है, हो गया, डस्टिंग रहती है, इकरा डस्टिंग रहती है। अब वो रहने दे। हाँ बस मेरा काम तो मैं सब रहने ही दो। हाँ जो कर लो जल्दी करो, डस्टिंग कर लो अंदर से क्योंकि मेरे पास अभी बिल्कुल टाइम। चलो 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 चलो, मौसम जो है ना वो नहीं बन, मौसम काफी अच्छा हो रहा है यार, रात को बड़ा अच्छा मौसम हो गया था है ना। हाँ अंधेरी अचानक से आई थी। हाँ काफी पौधे वौधे भी देख लें जी, तुमने मेरे पौधे नहीं देखे। मजे की बनाई है आप भी? मजे की है। अच्छा जी, तो मैंने इस वक्त गई हुई थी थोड़ा सा बाजार है, तो मैं और मेरे बाजार नहीं खत्म होते हैं। कुछ वो देखे मसब की जो ईद पे मैं ड्रेसेस लेकर गई थी उसमें जो है ना एक थोड़ा सा साइज़ का इशू था, मुझे पानी पीने बाद में लूँगी तो उसका साइज़ को चेंज करवाना था, तो मैंने कहा चलो अभी जाके करवा लेती हूँ। मुस्कान चली गई थी तो मुस्कान जब गई है तो उसके बाद जो है वो मैं किचन में मैंने बर्तन फेंके, मगरब की नमाज पढ़ी है और मैं जो हूँ ना वो फिर से चली गई बाहर, और अभी मैं आई हूँ तो साथ साथ जो है ना ये चीज़ें भी समेटेंगे। खाना मैंने अभी तक बनाया नहीं है कि अभी तो मेरे हस्बैंड भी आए नहीं हैं तो खाना वाना बना लेती हूँ। साथ साथ आज जो है वो मैं चिकन कढ़ाई बना रही हूँ तो पहले ये दो चार बर्तन हैं ये साथ साथ धो लेती हूँ। यहाँ पे देखें जी, आज तो पूरा दिन गैस वालों ने इतना कोई जलील करके रखा हुआ था ना, पूरा दिन जो है ना वो गैस नहीं थी और अभी भी सिर्फ इतनी आई है कि जैसे मैंने मसाला भूना है फ़ौरन से गैस चली गई। तो अब मैं इसको सिलेंडर पे, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब तो गैस जाने का कोई सीज़न नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं जल रही सिवाय चूल्हों के, वो भी एक हमारा तो एक टाइम, मेरा तो एक टाइम जलता है कि जिस टाइम मैंने खाना बनाया। सुबह नाश्ता भी मैंने जो है वो चाय सिलेंडर पर बनाई, फिर जब मुस्कान आई तो कबाब वगैरह फ्राई किए तो सिलेंडर पर किए, अब खाना भी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इतनी जलालत क्यों है। खैर बस अब ये हो गए ऑलमोस्ट तैयार, इसमें हरी मिर्च वगैरह डालेंगे। अच्छा, जब से मेरा धनिया बड़ा हुआ है ना तो मैंने अब दो तीन दिन हुए बाज़ार से धनिया मंगवाना ही छोड़ दिया, तो आज की जो डिश है ना वहाँ पे भी मैं करूँगी धनिया जो है वो ऐड करूँगी इधर से अपने गमले से तोड़ के फ्रेश फ्रेश धनिया। आज मैं नीचे आंटी को भी ऑफ़र मार के आई हूँ कि भाई आंटी मेरा बहुत अच्छा धनिया बड़ा हो गया है, अरे देखा ना मैंने जड़ तोड़ दिया,
तो बड़ा हो गया मेरा बहुत अच्छा धनिया, तो अगर आपको चाहिए हो तो आप लेके जा सकती हैं। कहती हैं हाँ मैंने आके देखा बड़ा अच्छा लग रहा था फ्रेश फ्रेश। ये देखें जी मस्तार से चिकन कढ़ाई, और अब जो है ना वो मैं खाना खाने लगी हूँ घर के धनिया की बनी हुई मज़ेदार चिकन कढ़ाई। जैसे सारा है तो इसमें कमाल मेरे घर के धनिया का, और तो किसी चीज़ का कमाल है ही नहीं ना। तो खाना वगैरह खा के इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है भैया, लाउंज में बैठ के खाना बिल्कुल खाने का नहीं चाहता, लेकिन ये है कि आदत नहीं ना डालनी खुद को इतनी जल्दी कमरे में घुसने की, वरना बड़ा दिल खफा होता है मेरा तो इतनी जल्दी रूम में घुस जाओ इतनी लंबी रात होती है। जी जनाब तो यहाँ पे ना खाना वाना खा के और नमाज़ वगैरह पढ़ के मैं फारिग हो गई हूँ, और अब यहाँ पे करेंगे ब्लॉग पॉइंट। एक्चुअली मेरे ना साथ एक प्रैंक हो गया है कि मुझे एक छाले से लाइक थोड़ा सा ना फेस के साइड पे जो होती है वो जगह लिप्स के जो कॉर्नर होते हैं ना उसके साइड पे ना मुझे कुछ छाले से निकल आए हैं। डोंट नो क्यों निकले हैं, गरमाइश की वजह से या वला आलम किस वजह से निकले हैं। तो मुझे उस एक तो मुझे उलझन बहुत होती है, ऊपर से वो दर्द भी बहुत कर रहे हैं, लाइक मुझसे एक सही तरीके से खाया नहीं जा रहा, बहुत ज़्यादा पेन होती है। तो इसकी वजह से ना मैंने बेड में वेट रखी हुई है वो लगा रही थी। अच्छा जी तो यहाँ पे करते हैं व्लॉग को एंड, इंशाल्लाह कल का व्लॉग आपसे शेयर करूँगी, कल एक नए व्लॉग में आएंगे। मुझे तो डेली व्लॉग में ना कुछ समझ नहीं आ रहा रोज़ मैं आप लोगों को क्या इंटरटेनमेंट या क्या कोई इन्फॉर्मेटिव चीज़ दिखाऊँ। खैर इंशाल्लाह आपसे कल के ब्लॉग में मुलाकात होगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दो में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।